हाँ तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली 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 ऐसे कैसे खाली? अभी अभी तो मैं अपने बिल्लू निवास में आया हूँ। रवि खाली करे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बिल्लू निवास खाली नहीं करूंगा। पुष्पा जी ए बिल्लू चुप कर। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, बात कड़वा है लेकिन सच है। अभी मकान मालिक है, इन्हें अपना रेंट मांगने का तो हक है ना, बात है कि नहीं ना? मतलब ये भी समझना चाहिए ना कि इस महामारी में मुंह उठा के इतना बड़ा फंड मांगने आगे आएगा कहां से इतना बड़ा फंड ना? आप कहे तो दुई थो। हाँ, क्या 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 ना? मतलब नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर रईस, हम नवाब साहब से बात कर लेंगे। नहीं नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस नो मोर। क्या नो मोर? पुष्पा जी, पुष्पा जी। I mean, he's no more into this business. Officially, वो retire हो चुके हैं। तो अब जो भी संभालता है, वो मैं संभालता हूँ। Since I'm the boss. बेटा रईस, हम क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों time waste कर रही हैं आंटी? एक सेकंड, आपने आंटी बोला? आप आंटी कैसे बोल सकते हैं? आपको ये कौन से एंगल से आंटी लग रही? पुष्पा जी, आपको कोई भी आंटी बोले ना, मैं सुन नहीं सकती। हाँ, आपने आंटी क्यों बोला? अरे संतो, छोड़ो ना। अब रहने दो ना, नवाब साहब का बेटा है ना। हाँ तो आंटी, मैं ये कह रहा था कि सी आई एम नॉट लाइक माय डैड, तो मैं ये इमोशनल फूल नहीं हूँ। रेंट आपको आज ही पे करना होगा, वरना आपको ये जगह खाली करनी होगी। तो मिस्टर रईस, देखिए बात ऐसी है कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए, हम बचे हुए बैलेंस पैसे आपको बाद में दे देंगे। बाद में कब देंगे आप? जब सरकार से हमें फंड मिल जाएगा तब हम आपको बचे हुए पैसे दे देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें तो हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारे पैसे मिलेंगे पूरे लीगल प्रोसीजर हो जाने के बाद। और जिसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बेटा, महीने भी और कुछ साल भी, या फिर कभी नहीं। फिर तारीख पे तारीख, तारीख 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 तारीख। बिल्लो, सोच लीजिए मिस्टर रईस, टेक इट और लीव इट। क्या मुसीबत है, इतने पैसों से ईएमआई तो नहीं चुका पाऊंगा, कुछ और जुगाड़ करना होगा। अभी ये तो कबूल कर रईस, वरना इससे भी जाएगा। अब ठीक है, जितने पैसे आपने दिए मैं रख लेता हूँ, लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको बहुत जल्दी देना होगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। का चल रहा है ये? हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम। अच्छा, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज? हम पैदा हो गए और हमें नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं। किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज? वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट था, तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा इसलिए। नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा? मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या? हमारे हाथ में गिफ्ट था लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, हम किसी को देने के लिए लाए हैं। समझ गए मैडम, मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं। आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। हमको पता है मैडम, वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं। अमाओ, किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। अच्छा नहीं मैडम, वैसे वो गिफ्ट आप लाए किसके लिए थी? नहीं नहीं, पर्सनल है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी, मैं भग तुमको काहे बताए हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे। कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना, फिर भी पर्सनल होता है, समझ गए?
जाइए, सब सब काम पे लगिए अपने, जाइए जाइए। इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम, इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। एक मिनट, कहाँ बड़बड़ा रहे हैं, सुनाई आ रहा है हमको? यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम। हम सब कहाँ से बे? अम्मा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ गिफ्ट लाए हो, दिखाओ जल्दी दिखाओ। एक मिनट मैडम, लेकर आते हैं। ये देखिए मैडम। किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये तो मैडम आप लड़की है ना? का है, तुमको शक है का? बे तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए उसको। ए बक। हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हग कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो चार बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो चाल लगा भी दिए, ऐसा करके। तो बताइए मैडम कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा है कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ, बहुत बढ़िया। जाइए अभी आप काम पे लगिए। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको। अच्छा उसको भी हटा, ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम दो पालकों के पीछे, जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे, बताओ। गिफ्ट देने का भी अक्कल नहीं है। हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ आप, इशारा करेंगे तब आ जाए। मैडम सर, जय जय हिंद। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम थाने में नहीं है, बैठ जाइए, अच्छी जगह है जी। और मैडम सर आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट हो गए? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ प्लीज ऑर्डर कीजिए जी। कॉफी कॉफी लाइए, कॉफी ला रहे। हाँ तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम से कि ये बताना। ओह शुक्रिया मैम, लाओ। बाद में। क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ बिल तो बाद में ही आता है ना? हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आ रही है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का। देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं, आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए आराम से, बेधड़क बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊँचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फ़ोन करेंगे, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा ज़िंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार दो चार लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया,
हम गए वहाँ पे, हमने 3-4 कंटाप लगा दिए और घूसे लात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें एक इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा जरूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुंह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना, वो उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया, तो फिर ये दर्द जो है ना, वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नर्म दिल है। पता है इसमें नुकसान उस लड़के का है, क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, अम्मा, तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह, ये बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने आपको समझने में। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा, हमेशा हमें माफ कर दिया। हमारी नादानियां, हमारी नाजायज हरकत सब माफ कर दी मैडम सर। आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये इज्जत सम्मान जो है ना, ये आपके आगे बहुत छोटा शब्द है मैडम सर। आपने जो हमारे दिल में जगह बनाई है ना, जो सम्मान है ना, वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमें, आप माफ कर सकती है तो आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं, थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी समझ है कि नहीं है? इतना जोर से म्यूजिक सुन रहे, हमारे कान का पर्दा नहीं फट सकता? तुम्हारे कान में नुक्स है क्या? क्या चीज हो तुम? अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कौन? अरे नवाब साहब का बेटा। रईस, अबे शांत हो जा, नहीं तो मैडम का एक कंटाप लगाना तो रईस से सीधे फकीर बन जाएगा। अब मैडम आपने बताया नहीं कि आप नवाब के खानदान से? हम आओ टोपा लोग, जो बात करना है वो बात कर ले अभी यहाँ पे। हाँ, आप भाई साहब नवाब साहब के बेटे हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि आप पब्लिक में ऐसा शोर मचाएंगे? तोमर जी, चार्ज लगाइए। पब्लिक प्लेस में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने का, और इनसे जुर्माना भी लीजिए। अभी लगाते हैं मैडम। जुर्माने तो देने आए दीदी। क्या एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने सारे पैसे क्या रिश्वत दे रहे हैं आप हमको? हर रिश्वत? हमारी मैडम को रिश्वत देता है? खड़ो जा। अरे चुप रहो यार, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूँ दीदी। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो पैसे है ना, ये मेरे डैड के पाप की वो कमाई है जो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कमाई। महिला थाने से उन्होंने पैसे कमाए,
महिला थाने से, वो भी रेंट के नाम पर। नहीं तो गलत क्या किया? नवाब साहब की जगह है, नवाब साहब ने अपनी जगह का रेंट लिया, उसमें गलत क्या किया? अरे कैसी बातें कर रही है दीदी आप, पुलिस से? अरे पुलिस से पैसे लिए उन्होंने? वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं। अरे पुलिस इज लाइक गॉड फादर फॉर अस। दीदी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दीदी, ये जो पैसे है ना, मेरी तरफ से दीदी छोटी सी डोनेशन समझ के रख लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा पुलिस कर्मियों के बारे में आपके जो उच्च विचार है उसको सुनकर। प्लान वर्क कर रहा है। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे रईस, ये आप गलत जगह आए हैं ना, नहीं इसके असली हकदार हम नहीं है, इसके असली हकदार है महिला पुलिस थाना, मैडम से। आप वहाँ जाइए। अरे पहले वही गया था दीदी, पर आप नहीं थे ना वहाँ, आप तो यहाँ है। और कहते ना एप्रिसिएशन सिर्फ वो डिजर्व करता है जो उसका हकदार हो, और सब जानते हैं कि ये महिला थाना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दीदी, सिर्फ आपकी वजह से। हसीना मैम तो सिर्फ वो शी इज कम्प्लीटली यूजलेस, वो तो सिर्फ नाम की थाना इंचार्ज है। क्या एक शब्द और बोला ना मैडम सर के बारे में तो यही जिंदा काट देंगे, तुमको समझ में आ रहा हमारी बात को? पकड़िए अपने पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से, निकलिए निकलिए। क्या कर रहे हैं, संभाल सिचुएशन संभाल, पूरा प्लान खराब हो जाएगा। सॉरी दीदी सॉरी, मेरे कहने का मतलब बुरी था, सॉरी दीदी। अगर आपने मुझसे ये डोनेशन नहीं ली दीदी, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं ऐसे नहीं जाऊँ। इसकी मैया कसम। हाँ ठीक है खड़े हुई पैर छोड़िए हमारा, खड़े हुई। थैंक यू दीदी। ठीक है आप तो मर्जी, रसीद बनाइए और ये डोनेशन इनसे ले लीजिए, हम महिला पुलिस थाना होकर आ। पर दीदी वो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब का रिक्वेस्ट है? ओ क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा आप। अच्छा है ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप। अपना काम तो हो गया। लाओ भाई अपना नाम लिखाओ। हाँ हाँ लिख लो। ए चीते जल्दी कर, मुझे जेरॉक्स लेना है जल्दी। कैसी लगी? हाँ सुबह से बेचारा बोल रहा था ये थाना पहले जैसा थाना नहीं लग रहा है, मिल गया ना डोज, अब लग रहा है ना? बहुत जोर से लगा, इस कान से नहीं सुनने की आदत छूट गई थी, अब बंद हो गया। ठीक है अभी, थैंक यू वेलकम। क्या परमानेंट आ रहे हैं जो वेलकम कर रहे हो? यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बिल्लू के कान के नीचे लगाते चले, हाल चाल सबका पूछते हुए जाए। तो पूछ लो कैसे है सब। जय हिंद। जय हिंद। और संतु क्या हाल है, सब बढ़िया यहाँ पे? मैडम जो सच है वो बताइए ना, आप मुझे मिस कर रही थी तो मिलने आई है यहाँ पे। वाकई बहुत मिस कर रहे थे, तुम ही तो हमारी जिंदगी हो। हमारी भी मैडम, सेम टू सेम। थैंक यू संत जी। बदनाम का सड़ा हुआ चाय भी बहुत मिस कर रहे थे तो सोचा कि आपने याद किया, बंदा हाजिर मैडम। लीजिए लीजिए अब चाय, बदनाम की चाय बहुत याद आ रही थी ना आपको, अब झेलिए। क्यों तंग कर रही हैं पुष्पा जी आपने? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये इनका ही तो थाना है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती, यहाँ आने के लिए इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राइट? बदनाम एक चाय हम भी पियेंगे। और संतु और क्या चल रहा है बताओ, कुछ थाने में कुछ क्या नया? हाँ मैडम, इस थाने का तो मुझे लगता है वास्तु ही गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मतलब चलता ही रहता है। अभी वो नवाब का बेटा रही आया था और 6 महीने का एक साथ रेंट मांग रहा था, तो मैडम सर और उसकी थोड़ी खिचखिच हो गई। हम हैंडल कर लिया हमने। रेंट मांग रहा था? हाँ क्यों? नहीं उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। लेकिन मैडम वो आपको कहाँ मिल गया? थाना में आया था। आपके? हाँ आया और बोल रहा था कि रेंट वापस करना है। अरे ये न्यूज में कुछ तो भी बवाल मचा हुआ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए सनसनीखेज खुलासा, पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही मिली भगत का भंडाफोड़, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कमजोरी पर डाला पर्दा, नामी अफसर स्कैम में शामिल, देखिए सबूत और खुद कीजिए फैसला सच और झूठ का। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी।
हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। महिला थाने की SHO हसीना मलिक के इस बयान के बाद अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया था। अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे आप चुप रहे। करिश्मा सिंह, हाँ, हाँ, हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी मैडम। सर आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह आप हमारी बात नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी बहुत सही किया, हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर आपने, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह देखिए आप। अरे सुनिए तो सही, ये क्या ये सब? आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा मैडम सर। आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स we
बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। शिवजी, अब बस आप ही का सहारा है हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक? सारा हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा, हम खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका। हाँ हाँ, खाओ ना। जान मुझे बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया। आई लव यू। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ, कौन मैडम सर, किसका बात कर रही हैं आप? खीर, खीर भी बनाया आपने? अरे क्या, कौन मैडम सर? अपनी मैडम सर, हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही, हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और बच गया है, पुष्पा जी फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाइका, हम भी निकल रहे, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रही है आप? पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही ना, आप उसी तरफ जा रही, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गए क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ, आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कॉन्स्टेबल पुष्पा सिंह महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए SI करिश्मा सिंह थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कढ़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं, हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दे दी। अब हम बाहर है घर से। तो क्या बात कर रही है पुष्पा जी, ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी, ये जी मैडम सर, मैडम सर आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो गुस्सा आ रहा है उस कमीने इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर, जिसने राम बलराम का जोड़ी में दरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा दे। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिस भी भाव से कहा था, जिस भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था?
हाँ हाँ मैडम सर बता दीजिए, क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए। उस वक्त तो हम सब थे मैडम सर के साथ और मैडम सर ने ये जो कुछ भी कहा हम सबके सामने ही कहा। हाँ क्यों? अच्छा आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग में से ये सब कोई लीक किया है ये वाला ऑडियो? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। अरे लालच के हवा का क्या भरोसा, कब किसकी तरफ घूम जाए। हाँ हाँ शक की सुई का क्या है, कभी उधर कभी इधर भी घूम सकती है, ये सच की हवा है कोई भी खा सकता है। अरे थाना अब हमारा भी है, ये सच का हवा हम खाएंगे। बिल्लू पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ अंदर जाओ। जाओ काटना मत, जाओ अंदर। और मिस्टर बुलबुल पांडे। मैडम। हमें अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, इंक्लूडिंग बिल्लू चंपत। ये काम इनमें से किसी ने नहीं किया और ये काम किसने किया है इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पुष्पा जी मेरे दिल के चालों को मत फोड़िए वरना मेरे ना अश्कों के सागर से आप ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कह दो कि आधा ही देते हैं हमको, हम ना अपने दिल के दर्द को लेके हाथ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब एक मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ ये आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया, हम तो अभी आए हुए। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना वो रईस, अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो कहा धन संचय और पूत कपूत तो कहा धन संचय, अगर औलाद काबिल होना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहब जादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जो ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े घड़ियां ये सब खरीदता है वो कहाँ से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वैसे तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड है और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे का तीसरे से तीसरे का चौथे से, अरे यही करता रहता है वो। नहीं नहीं मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। हाँ। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है नवाब साहब। पुष्पा जी सारी गलती आपकी है, आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ, आप क्या कम खर्चे करते हैं? नवाब है क्या कहीं के? नवाब ही तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी नहीं नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं, आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने गलती की है उसी को सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ ताकि हमारा लड़का देखे
और उस उधर है नवाब साहब। पुष्पा जी, एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना ना ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी, सुलझाएंगी ना? हाँ हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस हैं, पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है। वो ऐसे आ रहे थे, हम करेंगे। हसीना मैडम आपकी मदद करेंगी, करेंगे ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी पड़ेगी। नहीं देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम सोचते हैं, हम निकालते हैं इस बात का कोई सलूशन, ठीक है? जी जी, शुक्रिया। मैडम सर, एक बात समझ नहीं आई। रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था, कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, ईएमआई भरनी है, तो करिश्मा मैडम को वापस पैसे क्यों लौटाने गया? आया, आया, आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। मेरे लगा हुआ है, रोकिए ना, सामने देखिए ना, दूंगा ना पैसे। प्लीज सर, भागा जा रहा हूँ। हैं? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी, चाबी नहीं दूंगा सर, चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? धक्का मारो। अरे सर, ऐसा क्यों करे सर? अरे सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो बड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं नहीं, टेंशन वाली क्या बात है, ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना, इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूं? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूं? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी, राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना, अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको, अरे सर, ये तो घर वाली बात है सर, जब मर्जी ईएमआई दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया, रुका। अरे भैया, कहाँ जल्दी है निकलने का? आवा बछुआ, थोड़ा सा बचा लेते हैं। अरे भैया, अभी तक बैठे हुए हो, उतरा नीचे, उतर। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना हूँ रिकवरी ऑफिसर के साथ में, कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भोकाल के बारे में, कहा भी चंपक? बोल मनुष, सॉरी बोल मनु, सॉरी सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास, और उनको बता कि उसके नाम का यूज, का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती सर। प्लीज सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? हैं, घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है, वरना ये देगा थोड़ी हमें। उस घोर हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर, गिरा हुआ आदमी।
ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो कमाल करते। ये लीजिए सर, ये घड़ी लीजिए आप। और सर मुझे मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में, कंप्लेंट लिखवाने तोहरे नाम का। क्या मुसीबत है यार। अब ये दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल बताइए सर। आओ आओ यहाँ आओ। देखो ऐसा है, सुपर आइडिया, ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। टीम सर, टीम टीम, थैंक यू सर। तो मैं जाऊँ सर। सर हम पूछ सकते हैं कि आपका ये प्लान से होगा क्या, आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला। करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं है। तो अब जंग होगी, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? भाई दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर हैं। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहाँ है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए?